हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं नर्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा चैनल एनबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस सब्जेक्ट की यूनिट वन के लेक्चर वन डिस्कस करूँगी, जिसमें उसका इंट्रोडक्शंस, उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड जो वीडियो होगा, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल्स के बारे में। गाइस, मैं आप लोगों को समझाने के साथ साथ फ्री हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड लास्ट में मैं जो भी नोट्स रहेगा उसका फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद का नोट्स बना सकते हो। सो गाइस, आज की जो वीडियो होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। आप लोग देखिए, ये फर्स्ट यूनिट है और उसमें टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव, उसका डेफिनेशंस और उसका जो इंट्रोडक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड वीडियो जो होगा उसमें लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि देखिए, इसमें हमारा जो टॉपिक है इसमें है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड्स है गाइस, इसमें एक तो है ड्रग्स और एक है कॉस्मेटिक। ड्रग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा केमिकल एजेंट या सब्सटेंस जिसको हम चाहे इंटरनली, चाहे एक्सटर्नली, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, चाहे एनिमल में हो, उसको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिक को भी हम ड्रग्स की तरह ही लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होता है उसमें क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग और एट्रैक्टिवनेस दिखाने के लिए हम जो भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, लोशंस हो गया, फेस वॉश हो गई और जो फाउंडेशन हो गई, तो ये सब कॉस्मेटिक में आता है। तो एज अ ड्रग की तरह हम उसको यूज़ करते, इसलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक दोनों को एक साथ में दिया गया है। और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं था 1940 की पहले, बट कुछ इसका मिसयूज़ भी हो रहा था, जिसको देख के हमारी जो इंडियन गैजेट है, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसमें हमारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस के अंदर ही हमें मेडिसिन या ड्रग्स को सप्लाई किया जाए। ठीक है, तो उन सब को देखते हुए उन लोगों ने 1940 में एक एक्ट लाया है जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और ये एक्ट लाने की जस्ट 5 ईयर्स बाद उसका जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको लागू किया गया है, वो रूल्स लागू किया गया 1945 में। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो 1940 में लाया गया है एंड इट्स रूल्स जो है वो 1945 में लाया गया है, जिसको हम एक साथ में यही कहते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। अब हम उसका इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटिश मिस रूल प्रोवाइडिंग पोर हेल्थ केयर सिस्टम टू द इंडियन सिटीजन। गाइस, आप लोगों को पता ही होगा जो भी प्राचीन काल था, तो उस टाइम में हमारी इंडिया में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमारे इंडियंस को प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलता था। हम क्या करते थे, जो भी वैद्य महाराज हुआ करते थे उनकी हेल्प लेते थे, और वो लोग क्या करते थे, आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू हमारे पेशेंट को ठीक करते थे। फिर भी उनके पास कुछ नॉलेज था, लेकिन उनके साथ में जो भी हेल्पर लोग काम करते थे वो लोग सिर्फ देखते थे, और वो आइडिया के थ्रू क्या करते थे, पेशेंट को मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा पेशेंट की डेथ होने लग गई। और इन सब को देखते हुए हम क्या करते थे, जो भी ब्रिटिश लोग होते थे, फॉरेनर लोग होते थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उनके पास डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी थे, जिसकी वजह से वो अच्छे अच्छे मेडिसिन को बनाते थे, और हम लोग क्या करते थे, उनसे इम्पोर्ट करवाते थे हमारी इंडिया के अंदर। लेकिन वो लोग जो भी अच्छे मेडिसिन होते थे वो अपने पास ही रख देते थे, और जो भी मिसब्रांडेड ड्रग्स, एडल्ट्रेशन ड्रग्स होती थी, तो वो हमारी इंडियंस को सप्लाई करते थे, और हमारी इंडियंस की बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, वो लोग ठीक होने की वजह डेथ ज़्यादा करते थे। तो ये एब्जॉर्ब किसने किया, देखिए, ऑब्जर्वेशंस मेड बाय ड्रग इंक्वायरी कमिटी एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये जो चीज़ें हो रहा है, तो ये सब हमारी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन लोगों ने एब्जॉर्ब किया है, और उन लोगों ने एक रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट इन इंडियन मेडिकल गैजेट ड्रॉइंग 1920 टू 30।
उन लोगों ने 1922 टाटी की एक रिपोर्ट निकाला और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा गया कि हमारी जो पेशेंट है वो ठीक होने की वजह डेथ ज़्यादा कर रहे थे। तो फिर बाद में उन लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिसको हमारे जो भी इंडियंस है सब इस एक्ट को फॉलो करें, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो वैद्य महाराज जी क्यों ना हो, या चाहे जो भी फार्मासिस्ट है या जो भी डॉक्टर्स है, सब इसको फॉलो करें और उस रूल रेगुलेशंस के थ्रू हमें मेडिसिन मिले, ठीक है। तो उस वजह से उन लोगों ने एक एक्ट लाया है जिसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट कब लाया गया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10 अप्रैल 1940 को सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था एंड इस रूल्स 1945, ठीक है। और 10 अप्रैल 1940 में लाने के बाद जस्ट 5 ईयर्स बाद उसका जो भी रूल्स है उसको लाया गया है। दिस एक्ट is to maintain or regulate the import, manufacture, distributions and sales of drug and cosmetic। ये जो एक्ट है ये क्या करता था, ये रेगुलेट करता था इम्पोर्ट, मतलब कोई भी ड्रग्स अगर हमारे इंडिया के अंदर हम इम्पोर्ट करवा रहे तो उसका प्रॉपर बायोडाटा, हम कहते हैं ना कि इसका पूरा बायोडाटा निकालो, तो उसका पूरा जो भी बायोडाटा होता था वो सब हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता था। मैनुफेक्चर मतलब जो भी ड्रग्स में या मेडिसिन हम इंडस्ट्री में बनाते थे उसका प्रॉपर लिस्ट हमें निकलना पड़ता था, जैसे उसमें कौन सी API यूज़ किए, कौन सी एक्सीपेंट यूज़ किए, उसका प्रॉपर लिस्ट निकल के हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता था। डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब जो भी ड्रग्स बन जाती थी तो बनने के बाद हम क्या करते थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते थे, वो हाथ से क्या करता था हमारी फार्मेसी में जाती थी और फार्मेसी में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन रहते थे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहते थे, उनके द्वारा हम पेशेंट को देते थे। तो वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस होती थी वो इस एक्ट के अंदर ही फॉलो किया जाता था। फिर दूसरा पॉइंट है, दिस एक्ट ऑल्सो वेरीफाइड दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक शुल बी मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ओनली बाई क्वालिफाइड पर्सन। इस एक्ट के द्वारा यही भी कहा गया कि जो भी ड्रग्स या मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे वो सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन ही दे, विदाउट क्वालिफाइड पर्सन इस फील्ड में काम ना करें, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो लोग बार बार मेडिसिन देंगे तो वो हमारी पेशेंट की डेथ की संख्या ज़्यादा होगा ठीक होने की वजह। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट एंड एडॉप्टेशंस ऑर्डर, ठीक है। अमेंडिंग का मतलब ये होता है गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा जब भी कोई मेडिसिन बनता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हम बनाते तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम उसको सुधारते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही जब ये एक्ट लाया गया था उसका जो भी रूल्स रेगुलेशंस लागू किया गया था, फिर भी हमारी जो भी इंडियन गैजेट है तो उनको लगा इसमें कुछ ना कुछ कमी है जिसको हमें सुधारना चाहिए। तो उसके वजह से उन लोगों ने कुछ सुधार किया है, दो साल बाद हो चाहे 5 साल बाद हो। तो ये देखिए, ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1955, उन लोगों ने जो भी ड्रग्स की रूल्स रेगुलेशंस निकाला था उसमें उन लोगों को लगा कुछ ना कुछ गलती है, जिसकी वजह से उन लोगों ने द ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1955 में एक चेंजिंग किया गया है। फिर बाद में द ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1960 में चेंजिंग हुआ है, द ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1962 में भी चेंजिंग हुआ है, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1964, मतलब ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों का अमेंडमेंट किया गया है 1964 में, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1972, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1982, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 1995, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2008, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2011, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2018। सो गाइज, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945, जब इसका रूल्स आया था 1945 में, आने के बाद भी हमारे जो भी इंडियन गैजेट थे तो उनको ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसमें कुछ और सुधार करना है। तो हर 4 साल में 5 साल में उन लोगों ने कुछ ना कुछ सुधार किया है उन सारा रूल्स रेगुलेशन में। तो उन लोगों ने 1955 से लेकर 2018 तक उन लोगों ने सारे रूल्स रेगुलेशंस में चेंजिंग किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है गाइस कि हमने जो भी एक्ट लाया है तो इस एक्ट लाने का मेन उद्देश्य क्या है, अगर हम नहीं लाते तो क्या होता और हम लाए तो इसको लाने का जो मेन मोटिव है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं,
टू रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक टोज लाइसेंस एक्ट। इसमें ये कहा गया कि ये जो एक्ट है ये लाने का मेन उद्देश्य यही है कि पहले जो भी मेडिसिन देते थे प्राचीन काल में तो वो कोई भी दे देता था लेकिन उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। बट इस एक्ट के ज़रिए ये कहा गया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो सेल हो या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सिर्फ एक लाइसेंस के थ्रू हो, विदाउट लाइसेंस उसमें नहीं दिया जाए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा जो बी फार्मा कैंडिडेट होते हैं या डी फार्मा कैंडिडेट होता है उनको क्या करता है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपना स्टेट में, फिर बाद में एक लाइसेंस मिलती है और उस लाइसेंस से वो लोग मेडिकल स्टोर ओपन करता है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक क्वालिफाइड पर्सन ही होती है। तो उन लोगों ने यही बोला है कि जो भी अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या सेल करते हैं वो एक लाइसेंस के थ्रू ही किया जाए। सेकंड पॉइंट ये है मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली। इसमें ये कहा गया अगर कोई भी चीज़ मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग हो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल हो तो वो सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन ही उसमें काम कर सके, विदाउट क्वालिफाइड पर्सन उसमें काम ना करे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी लगता है। थर्ड पॉइंट है टू प्रिवेंट सब स्टैंडर्ड इन ए ड्रग। मतलब अगर कोई भी ड्रग्स हम बनाते हैं ठीक है, तो बनाने के बाद आपको भी पता होगा कि उसका फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। प्री क्लिनिकल का मतलब होता है जैसे कि हम एनिमल पे पहले ट्राई करते हैं, फिर वो अगर सक्सेस हो जाता है फिर हम उसको ह्यूमन पे ट्राई करते हैं, फिर बाद में हम उसको मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड वाइज होती जाता है, तो वो सब इस एक्ट के द्वारा ही हमें लागू किया गया है। फिर चौथा पॉइंट है टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि पहले जो भी आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स बनती थी तो उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा इसमें बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस को लागू किया गया जिसको हर कोई फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, फिर फाइव नंबर है टू स्टेबलाइज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं DCC। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस निकाला है तो उसको फॉलो करवाने के लिए भी तो कोई कमेटी होना चाहिए। अगर वो कमेटी नहीं होगा तो कोई फॉलो ही नहीं करेगा। तो उसमें क्या होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो बोर्ड होते हैं तो वो उसको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाते हैं और ड्रग कंसल्टेटिव जो कमेटी होता है वो इसमें करवाते हैं। सो गाइस हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इस रूल्स 1945 में उसका इंट्रोडक्शन किया है, उसमें जो भी अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें कब कब सुधार किया गया है, इसके अलावा भी उसका जो भी मेन ऑब्जेक्टिव था तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन अब हम ये बताएंगे कि जो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 है इस चैप्टर के अंदर और फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन ज़रूर पूछा जाता है। सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहले आता है फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस। हमें ये जानना ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होती है। गाइज जुरिस्प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि कानून रूल्स रेगुलेशंस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई किसी को मार देता है या किसी को एक्सीडेंट कर देता है तो उसके लिए अलग अलग तरीके से केस होती है, उसके लिए अलग अलग अगर कोई केस लड़ता है तो उसको पैसा भी मिलता है ज़रूर। ठीक है, तो ऐसा ही वो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कानून रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन इसके अंदर सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स लगा दिया इसका मतलब हमारी फार्मेसी की फील्ड में या फार्मेसी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस होगा जो भी कानून होगा इस सब्जेक्ट के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फार्मेसी फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एल्सो रिलेटिंग टू द ड्रग एंड फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि
हमारी जो फार्मेसी के अंदर कुछ भी रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, या फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो भी हॉस्पिटल में हमारी क्लिनिकल ट्रायल होती है या जो भी डिस्पेंसिंग वगैरह होती है, तो हॉस्पिटल में भी जैसे कि अगर जो भी ऑर्गेनाइज कमेटी होती है तो उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होती है, सब कुछ क्या होता है हमारा इस फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखें, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस इज ए ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी इन विच देयर इज ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड रूल्स रेगुलेशंस द प्रोडक्शंस एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ए मेडिसिन, इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पेनल्टीज एंड ऑफेंसेज। इसमें यह कहा गया कि फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस में हम क्या करते हैं, फार्मेसी के अंदर जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस होती है उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर कोई इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कौन कौन सी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लगाया जाता है, वो सब भी इस सब्जेक्ट के अंदर ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा डेफिनेशन है कि ड्रग, ये डेफिनेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस में ही नहीं बल्कि हमारी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी पूछा जाता है, हर कोई ये डेफिनेशन पूछते हैं। अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन देखें ड्रग का, तो ड्रग्स आर द ट्रोस केमिकल सब्सटेंस या एजेंट विच इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब है कि ड्रग्स का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस या एजेंट होता है जिसको हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपका हाथ में या पैर में कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ तो आप तो देखोगी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि किस जगह पर हमें फ्रैक्चर हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के बाद हमें पता चलता है कि हमारी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो वो जो हम एक्सरे करवाते हैं ना, तो उस कंडीशन को हम डायग्नोसिस कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, मान लो आपका कोरोना वायरस हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा, हमें तो बस सिम्टम पता चलता है कि नहीं हमें फीवर हुआ है, हमें जुकाम हुआ है, बट हम क्या करते हैं उसको कंफर्म पता करने के लिए हम अपना स्वेल देते हैं और उसको एक किट में रखा जाता है। किट के द्वारा हमारी जो टेस्टिंग होती है और फिर बाद में हमें पता चलता है नहीं हमें कोरोना वायरस हो गया है, ठीक है। तो वो जो हमने किट यूज़ किया ना, तो उसको हम एज अ डायग्नोसिस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, डायग्नोसिस में बिस्मत कंपाउंड भी आता है, फिर बाद में प्रिवेंशन में वैक्सीन आ गया, ट्रीटमेंट में पैरासिटामोल टैबलेट भी आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर और इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिलेटिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्क्यूटो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस, ड्रग्स का मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो, चाहे हम किसी ह्यूमन पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे एनिमल पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे हमारी इंटरनली यूज़ हो, चाहे हमारी एक्सटर्नली यूज़ हो, उसको हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या होता है ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। मिसब्रांडेड ड्रग, दूसरी डेफिनेशन है मिसब्रांडेड ड्रग। तो मिसब्रांडेड ड्रग का मतलब क्या होता है गाइस, इफ़ इट इज़ सो कलरिड, कोटेड, पाउडरिड और पॉलिशिड दैट डैमेज टू द कंसल्ट, और इफ़ इट इज़ मेड टू अप्लाइड और बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू देन इट रियली इट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ इट इज़ नॉट लेवल इट इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है। मिसब्रांडेड ड्रग का मतलब ये होता है गाइस, मान लो अगर किसी भी ड्रग्स में उसमें कलर जो होना चाहिए वो नहीं है, उसका कलर कुछ ज़्यादा ही है, पॉलिशिंग जो करना है तो वो नॉर्मली नहीं है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी है, या पाउडर ज़्यादा दिख रहा है, या उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसमें जो लेबलिंग किया गया है तो लेबलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, लेबलिंग में जो भी लिखा गया है तो उसका कलर अगर ज़्यादा हो गया, तो ऐसा कंडीशन अगर किसी भी ड्रग्स में दिखाई देता है तो उस ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, मिसब्रांडेड ड्रग कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे डेफिनेशंस है कि कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक क्या होता है,
अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द कॉस्मेटिक्स मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रबिड, पोरिड, स्प्रिंकलिड और स्प्रेड ऑन और इंट्रोड्यूस इन टू और अदरवाइज अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी और एनी अदर पार्ट्स फॉर क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग द अपियरेंस एंड एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ ए कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब ये होता है गाइस कि हमारी जो भी ह्यूमन बींग्स होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होता है, उसमें क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग और अट्रैक्टिवनेस दिखाने के लिए हम जो भी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक कहते हैं। चाहे वो हमारी बॉडी में हम ड्रॉप्ड करते हैं, पोर्ट करते हैं, स्प्रिंकलेट करते हैं या स्प्रेड करते हैं, लेकिन उस चीज सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, जैसे हम लोशन यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, फाउंडेशंस, पाउडर, लिपस्टिक है, तो ये सब हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस दिखाने के लिए, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को करते हैं, तो उसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट भी हम उसका देख सकते हैं, द टर्म कॉस्मेटिक हैव बीन डाइव्ड फ्रॉम द टर्म कॉस्मेटिकोस व्हिच मीन्स द स्किल्स टू डेकोरेट। दूसरा पॉइंट में ये बताया कि जो कॉस्मेटिक है ये कॉस्मेटिकोस वर्ड से आया है और उसका मीनिंग होता है टू स्किल डेकोरेट, हमारी स्किल को डेकोरेट करना, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है थोस कॉस्मेटिक इज द आर्ट्स ऑफ डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू लुक ब्यूटिफुल। कॉस्मेटिक अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ये बताएं कि इसका मतलब यह होता है कि हमारी जो सेल्फ होती है उसको ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, उसका लुक ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए हम जो भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें, शॉप इज़ नॉट कवर अंडर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकॉज इट इज़ फॉर द हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। अगर हम साबुन यह शॉप को देखें तो ये क्या होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं होता है बिकॉज ये एक हाइजेनिक प्रोडक्ट्स होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडुल्ट्रेटेड ड्रग्स। एडुल्ट्रेटेड ड्रग्स का मतलब ये होता है, इट इज़ कंटेंस इन होल और इन ए पार्ट्स ऑफ एनी फैल्टी पोर्ट्रेट और डिकम्पोज सब्सटेंस। इसका मतलब ये है गाइस, जैसे कि मान लो कोई सड़ा हुआ गंदा और डिकम्पोज सब्सटेंस जो है वो अगर हम किसी अच्छे सब्सटेंस के अंदर मिक्स कर देते हैं ना, या गलती से भी मिक्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उस ड्रग्स को क्या कहेंगे, एडुल्ट्रेटेड ड्रग्स कहेंगे। मान लो आपने किसी लैब में काम किया है और जिस लैब में अपने कोई मेडिसिन बना रहे हो तो वहाँ पे जो कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो उसमें ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर रखा और उसको अपने अच्छे से साफ़ नहीं किया और उसमें दोबारा आपने यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें मिक्स हो जाता है। वो जो मिक्स होता है ना तो उसको एडुल्ट्रेशन कहलाते हैं। उसके अलावा भी अगर गलती से धूल मिट्टी भी उस मेडिसिन के अंदर आ जाती है तो उसको भी हम एडुल्ट्रेशन कहलाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई इंसान जान पूछ के भी ये सब काम करते हैं क्योंकि उन लोग को पैसा कमाना है। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो दिखने में और जो डुप्लीकेट होती है वो दिखने में बिल्कुल सेम होता है, बट रेट उसमें फ़र्क होती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ब्लैक पेपर है, ठीक है, तो ब्लैक पेपर और पपाया का जो सीड होता है वो दिखने में बिल्कुल सेम है, बट ब्लैक पेपर की रेट बहुत ज़्यादा होती है और इसका रेट कम होती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर बाद में लोगों को सेल करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आर्गुमेंट सीड और मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड जो होता है वो बहुत महंगा आता है और आर्गुमेंट सीड उतनी महंगा नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई इसको जानबूझ के मिस कर देता है और फिर बाद में इसका सेल करते हैं। फिर इंडियन सेना और अरबियन सेना। तो गाइस मतलब अल्टीमेटली ये कह सकते हैं, एडुल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ओरिजिनल ड्रग्स मेडिसिन या सब्सटेंस के अंदर अगर हम डुप्लीकेट चीज़ें मिला देते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, या कभी कभी गलती से मिक्स हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, एडुल्ट्रेशन ड्रग कहलाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पोरियस ड्रग। स्पोरियस ड्रग का मतलब ये होता है, इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर ए नेम व्हिच बिलोंग्स टू द अनदर ड्रग्स, ठीक है। और फिर जो भी है आप लोग खुद से पढ़ लेना, क्योंकि बिकॉज मैं पूरा पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। सो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो और मैं अभी समझाऊंगी बस इम्पोर्टेंट पॉइंट। स्पूरियस ड्रग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो अपने कोई ड्रग्स बना रहे हो लैब में, ठीक है,
आप अगर पैरासिटामोल टैबलेट बना रहे हो या एस्पिरिन टैबलेट बना रहे हो और दोनों एक साथ में ही बना रहे हो, बना के एक साथ में ही आपने रखा है, लेकिन अब जब पैकेजिंग का टाइम आया तो उस टाइम गलती से किसी ने एस्पिरिन की टैबलेट पैरासिटामोल की टैबलेट की जो कवर है उसमें अपने पैक कर दिया, तो वो जो क्या हुआ, पैकेजिंग कुछ अलग है लेकिन ड्रग्स कुछ अलग है। उसमें हम जब मार्केट में देंगे तो वो पेशेंट खाएगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, तो ऐसा कंडीशन में अगर कोई भी ड्रग्स हो जाती है उल्टा पलटा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरियस ड्रग कहलाते हैं, ठीक है। फिर बाद में मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए गाइस, कोई भी ड्रग्स जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें API एक्सिपिएंट इन सबको रेडी करना पड़ता है, फिर बाद में उसका क्वांटिटी कितना चाहिए होता है तो वो सब हम देखते हैं, फिर बाद में उसको हम बनाते हैं, मेकिंग, अल्टरिंग, अर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग, पैकिंग, ठीक है। तो ये सब हम करते हैं, सबसे पहले तो उन सबको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम बनाते हैं, फिर हम उसको अल्टरिंग करते हैं, ऑर्नामेंटिंग करते हैं, फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसका फिनिशिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, कोटेड करेंगे, फिर बाद में जब वो बन जाता है तो उसका पैकेजिंग करना पड़ता है, पैकेज करने के बाद उसका लेबलिंग करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी प्रोसेसिंग होती है एक मेडिसिन बनाने के टाइम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चर कहेंगे, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होता है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिंस। पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिंस का मतलब ये होता है गाइस, जैसे कि मान लो कि किसी एक कंपनी ने जो भी मेडिसिंस बनाया, ठीक है, किसी भी जैसे डोलो बनाया, तो डोलो जिस कंपनी ने बनाया वो कंपनी सिर्फ वो उसी कंपनी वो मेडिसिंस बार बार बनाएगा, दूसरी कंपनी वो नाम नहीं दे सकता है, भले ही वो मेडिसिंस बनाएगा बट नाम नहीं दे सकता है डोलो, ठीक है। और फिर जैसे कि अपने कोई चीज़ बनाया, ठीक है, तो वो अपनी नाम से बनाया लेकिन वो दूसरा इंसान वो चीज़ सेम उस नाम पे नहीं बना सकता, तो ऐसा ही ड्रग में ही होता है। जैसे कोई भी ड्रग्स अगर किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी में बनता है तो अपना अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो नाम देते हैं, वो नाम दूसरा इंडस्ट्री नहीं दे सकता, भले कंपोजिशन सेम हो सकती है बट उसने जो नाम यूज़ किया है, जो ब्रांड नाम दिया है, वो ब्रांड नाम दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो एडिडास होती है वो एक बहुत बड़ी कंपनी होता है, तो एडिडास के जितनी भी सामान बनता है तो एडिडास लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ी फेमस कंपनी होती है जिसकी वजह से दूसरा कोई उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें एक दो स्पेलिंग चेंजिंग कर देता है लेकिन सेम नेम नहीं दे सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी ड्रग्स होती है तो उस ड्रग को पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ गए मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक और मिस ब्रांडेड ड्रग दोनों अल्टीमेटली सेम है, उसमें सिर्फ ड्रग था और इसमें कॉस्मेटिक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इफ़ इट कंटेन्स ए कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब। अगर प्रिस्क्रिप्शन में जैसा लिखा हुआ है या जो भी प्रिस्क्राइब में लिखा हुआ है उसका कलर कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा कलर नहीं है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी है, तो आप उसको मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कह सकते हो और आप कंप्लेन भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है इफ़ इट इज़ नॉट लेवलिड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब में लिखा हुआ है और लेबल जो है लेबलिंग सही नहीं है, ठीक है, लेबलिंग में जो भी कंपाउंड यूज़ हुआ है वो सही तरीके से दिया नहीं है, उसमें कुछ उल्टा पलटा है, उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है, या जो भी हमने सब्सटेंस यूज़ किया उसमें कम ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज अ मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट है इफ़ द लेबल और कंटेनर और एनीथिंग एकॉम्पेनिंग द कॉस्मेटिक बियर एनी स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पार्टिकल। इसमें ये कहा गया है जैसे कि मान लो अपने कोई भी मेडिसिंस बनाया, कोई भी कॉस्मेटिक बनाया, ठीक है, उसको अपने सेल करना है आपको मार्केट में, और उसमें अगर आपने ये लिख दिया कि 100% गारंटी है ये कॉस्मेटिक आप यूज़ करो आप पूरा सुंदर हो जाओगे, या आपका एक्ने आता है या ब्लैक स्पॉट आता है वो 100% गारंटी है सही हो जाएगा,
और अगर कोई इंसान उसको यूज़ करने के बाद वो सही नहीं होता है तो उसके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल में या जो भी टीवी में एडवर्टाइज वगैरह देता है तो उसमें 100% कभी नहीं बताता है, चाहे 99% बता देगा, 95% बता देगा, बट 100% कभी नहीं बताता है, क्योंकि सबकी बॉडी की जो कंडीशंस होता है वो अलग अलग होती है। हो सकता है आपकी बॉडी में काम आए बट दूसरी की बॉडी में काम ना आए। तो ऐसा अगर कोई ऐसा 100% लिख देता है और आप यूज़ करते हो, करने के बाद आपकी सही इस्तेमाल नहीं हुआ है आपका और उल्टा साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक 1940 एंड इस रूल्स 1945 की उसका इंट्रोडक्शंस, उसका कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने बताया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल ऐसा महसूस हुआ तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।